गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेगेटिव में। अभी सुबह का 8 बज गया है और मैं आई हूँ छत पे ये कपड़े फैलाने के लिए। तो कपड़े मैंने धो दिए हैं, नहाना वगैरह हो गया, पूजा वगैरह सारा हो गया है और लगभग नाश्ते की भी आधी आधी तैयारी हो गई है मेरी। तो ये दोनों तो सोए हुए हैं अभी भी, तो मुझे थोड़ा दुकान जाना है तो कपड़े फैला लिए हैं। तो चलती हूँ थोड़ी देर में दुकान पे, यहीं से जाऊँगी क्योंकि अगर अंदर गई तो शिवा उठ जाएगा। तो पहले थोड़ा खिड़की से चेक करूँगी कि उठा है कि नहीं उठा है, फिर दुकान जाऊँगी। तो शिवा शिवा के पापा तो उठे हैं नहीं अभी, तो दुकान जाती हूँ, दुकान से सामान लेके आना है। पैसे ले लिए मैंने, तो आज मैं बना रही हूँ आलू के पराँठे। तो उसके साथ मन हो रहा है कि क्या बोलते हैं दही खाने का। कभी गर्मी हो रही है ना, तो और आँखें नहीं खुल रही, इतनी तेज़ धूप हो रही है। अभी 8 बज रहा है तो दही ले आती हूँ। तो एक पैकेट दही और दूध ले आई हूँ मैं, दूध भी ख़त्म हो रहा था तो ये ले लिया है। करता हूँ मैं सुबह नाश्ता, और नाश्ते में है आलू के पराठे और दही। और शिवा तो अभी तक ही सो रखा है, वो बना रही है पराठे वहाँ पे। चलो करते हैं अब ये। इसकी तो गुड मॉर्निंग हो गई थी काफ़ी टाइम पहले, अभी टाइम है इनका शॉप में जाने के लिए। तो नहाए भी नहीं आए, तो इन्होंने क्या करा था, शिवा को कब से पकड़ा हुआ है। नहीं छोड़ रहे पापा, नहीं छोड़ रहे। ओ मम्मा, चलो चलो मैं छुड़वाती हूँ शिवा को अब। ये तो शिवा को लेके बाथरूम में गए, तो जब तक ये वहाँ रहते हैं ये बेड ठीक कर देती हूँ। बेड तो कर दिया साफ, और इसका वो भी बिछा दिया गिंदोला यहाँ पे, और कपड़े भी निकाल दिए शिवा के, ये रहा टॉवल। तो और तो सारा ठीक ही है, थोड़ा बहुत सामान हिल वो कर देता है ना, इधर उधर कर देता है, तो ये भी ठीक हो रखा है। और झाड़ू वगैरह भी लगी नहीं है, तो अभी नहा ही रहे हैं तो एक बर्तन धो देती हूँ। तो जब हम केदारनाथ गए थे ना, तो वहाँ पे पैदल चलने की वजह से लगभग 25 किलोमीटर चले होंगे पैदल, तो ये पूरा खून जमा हुआ है नाखूनों में। तो एक नाखून परसों निकला है ये वाला, और एक आज सुबह सुबह ना तो ये भी उखड़ गया है, ये भी आधा आधा उखड़ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और जितने भी लग रहा है, जितने भी काले काले हो रहे हैं ना खून जम रखा सब में, तो सारे उखड़ेंगे मेरे अभी नाखून वाले, सारे नए नाखून आएंगे इनमें, और दर्द हो रहा है। और ये अपने पापा के आगे पीछे घूम रहा क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, आगे पीछे घूम रहा कि मुझे बाहर जाने के लिए मिलेगा। तो जो पैर पे ना नाखून उखड़वा था ना, तो इस पे लगा दिया है सेलो टेप मैंने अब, क्योंकि ये ना नहीं तो जगह जगह पे लग रहा था, तो सेलो टेप लगा दिया। तो जब वो उखड़ेगा तो उखड़ जाएगा अपने आप से, अगर मैं निकालूंगी इसे तो खून खून हो जाएगा। तो ये ऐसा हो गया, और ये शिवा सो गया है, तो झाड़ू वगैरह नहीं लगी है अभी मेरी, तो झाड़ू लगाती हूँ, सफाई करती हूँ। अब मैं बर्तन धोने वाली थी ना जब ये नहाने के लिए गए हुए थे, तो इतने ही धुले थे, तो ये नहा लिया था तो मैंने छोड़ दिया बर्तन। तो सबसे पहले बर्तन धोती हूँ अब। किचन वगैरह तो सारी साफ़ हो गई है, सब बर्तन सब हो गए, झाड़ू पोछा भी हो गया है, और ये सो रहा है बाहर। और पसीने से हालत ऐसी हो गई, बहुत पसीना हो जा रहा है आजकल। तो अब लगभग साढ़े ग्यारह हो रहा है, हाँ 11:30 हो रहा है। तो देखती हूँ खाने पे क्या बनाऊँ, दाल वगैरह बनाऊँगी हल्की सी, क्योंकि सुबह आलू के पराठे खाए हुए हैं, तो दाल वगैरह देखते हैं। अभी मैं आई हूँ छत पे कपड़े लेने, और धूप हल्की हल्की है आज, लेकिन मेरे कपड़े सूख गए होंगे, सूख गए सारे कपड़े, क्योंकि मैंने सुबह 8 बजे से पहले धो दिए थे। जीन्स भी सूख गई, नहीं हल्की सी ना यहाँ से गिली है तो नीचे फैला दूँगी, तो उठाती हुई कपड़े। अच्छा, तो सॉफ्टी वाला आया है यहाँ बाहर नीचे, सॉफ्टी वाले तो आधे कपड़े उठाए थे मैंने, वो बाजा बज रहा था ना। कपड़े भी ले लिए, तो नीचे चलती हूँ। आज तो सही है, मतलब बादल बादल से हो रहे, कहीं पहाड़ों में ना
हल्की बारिश वगैरह मौसम हो रहा होगा ख़राब, तो यहाँ भी बादल लगे हुए हैं। तो कपड़े यहाँ पे रख दिए हैं, बाद में लगाऊंगी आराम से तह। और ये वाली जीन्स तो बाहर डालनी है, और इसमें मैंने मूंग की दाल बॉईल करी है, तो पहले ये जीन्स फैला के आती हूँ बाहर। जीन्स यहाँ पे फैला दी है मैंने, बाद में एक घंटे बाद अंदर ले जाऊंगी। और ये मामी के साथ है बैठा हुआ, साइकिल चला रहा, साइकिल चला रहा है। साइकिल पे, चेयर पे। थोड़ी देर बैठती हूँ मैं भी। अभी यहाँ पे आया है सब्जी वाला, तो सब्जी देखते हैं। तो ये सब्जी ले रहे हैं हम अभी, बना लो भाई वीडियो। तो सब्जी भिंडी ले ली मैंने आधा किलो, तो 20 की आई भिंडी, तो पैसे देती हूँ भैया को। का खाना आ गया है, और यहाँ पे प्यार हो रहा है इसकी नज़र खाने पे, उसकी नज़र पानी पे। तो मामी मुझे तो, आप खाना खा लो। सो हे गाइस, अभी आए मैं घर, अभी बज रहे हैं दिन के 1:30, और गर्मी तो आज खैर ठीक ठाक ही हो रही है, बाहर तो धूप नहीं हो रही है ज़्यादा, बादल हो रखे हैं। तो खाता हूँ खाना, अभी आ गए दोनों। क्या बना रखा भाई? वो आलू की पिट्टी पड़ी थी, वो भी बनाए पराठे, उनकी दाल रोटी भी बना रखी, तो खाता हूँ खाना। अब दाल है, मूंग की दाल और रोटी। और शिवा तो इधर टोपी से खेल रहा है। ओ शिवू, वही तो ये आ गई है कूड़े वाली गाड़ी, और थोड़ी धूप हो गई है, वो डाल रही थी कूड़ा खड़ी। डाल दिया, चलो चलते हैं अंदर, जा रहे हैं हम अंदर। ऐसे ना बाहर जाने की इतनी लगी रहती है ना, कि मतलब कैसे भी करके बाहर ले जाओ बस। खाना तो खा लिया था मैंने, चाय पीता हूँ, चाय बन रही है। गर्मी चाय कितनी भी हो जाए, चाय मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ये ना अभी नहा करके आया है उधर से, भाभी ने नहलाया इसे, और इसने पता है गंदे गंदे काम करे। शिवू क्या गंदे काम करे तूने? नहलाया भाभी ने तो टब में पॉटी कर दी है, मैं तो बच्चों को पढ़ा रही थी इधर, ये नहा करके आ गया। ओ गुगरी रो रहा, क्यों रो रहा भाई, क्या मिला है? ओ अब ये दे रहा मुझे। भाभी छत पे है तो हम भी चलते हैं छत पे। भाभी छत कपड़े फैला रही यहाँ पे, और अभी थकान लग गई, धूप भी है ही, अभी सूर्य भगवान जी गए नहीं अभी, तो हवा चल रही है। भाभी ने कपड़े धुले, अभी थोड़ा बहुत हवा है ही। शिवा की तो नहाई नहाई हो गई, ऐसे उड़ो, मुंह में हाथ नहीं, बच्चों को देख रहा उधर है। पानी में तो खुश रहता है बच्चे, वो हो रहे ना, बच्चों को देख रहा उधर।
शिवो कहाँ हो रहा हो? बम फूटा और वो तिरछसा हुआ, पटाखे फूट रहे ना बाहर, शादी शुदी होगी। ओए ये पूरा ये आंगन पूरा घूम के और यहाँ पे आ गया, ये इससे काम ही हो रहा है। चलो यहाँ पे से चलो। तो हे गाइस, अभी आया मैं घर, अभी बज रहे रात के 9:30 और मैं थोड़ा सा आज लेट हो गया। शिवा तो सो गया अभी फिलहाल, अब खाना खाता हूँ मैं और मैं लेके आया था दूध। चलो चलते हो। खाना वगैरह तो हमारा हो गया है और किचन वगैरह मैंने साफ कर ली, तो ये बर्तन भी धो दिए हैं इधर, और हमारा शिवा सो गया है तो लगभग 10:15 हो गया होगा। हाँ इतना तो हो गया होगा, सागर घूमने गए हैं। तो आज ना क्या हुआ कि शाम के बाद से मैं कोई मतलब व्लॉग नहीं बना पाई, एक थोड़ी सी छोटी सी क्लिप ली मैंने इसकी शिवा की बस, क्योंकि यहाँ पे ना मामी है ना, हमारी मामी, तो उनकी बहन आई थी, मतलब मौसी जी आई थी यहाँ पे, तो उन्हीं के साथ मतलब बैठे वगैरह रहे ऐसे ही। तो ऐसे ही शाम का टाइम हमारा बीत गया था। वो सहारनपुर से आए हुए थे छोटे बच्चे वगैरह, तो उनके साथ टाइम में ऐसे बीत गया तो व्लॉग नहीं बना पाए, तो ऐसे ही रहा। और खाने पीने का दिन की दाल बची हुई थी, मूंग की दाल बनाई थी तो थोड़ा वो बची हुई थी, तो और इनके लिए फिर पराँठे वगैरह बना रहे थे, तो मैंने रोटी पराँठे यही खा लिया था हमने, दाल पड़ी हुई थी तो बनाती तो वो भी वेस्ट जाती फिर, तो फिर खा लिया था वही। अभी ये घूमने गए हैं, अभी ना रात का 11:15 हो रहा है और ये ना अभी सो के उठा है। क्या क्यों बाजे बज रहे? नीनू आ रहा, सो जा, नीनू आ रही तो अच्छी बात है, और सागर अभी तक घूम के नहीं आए हैं। कहाँ कान में खुजली कर ला गंदू? मेरी गुदड़ी है, गुदड़ी मेरी गुदड़ी। तो इसका उठने का मन भी हो रहा है और सोने का मन भी हो रहा है। निन्नू भी आ रही है ऐसे, शिवा को ऐसे सुलाया है मैंने अभी, ये उठ रहा था, सो रहा था, उठ रहा था, सो रहा था, मैंने यहाँ पे लेटाया तो ये सो गया है, मुँह खोला हुआ है। तो ये तो घूम के आ गए हैं और शिवा फिर से सो गया। ये हैं हमारे, ये ना बर्फ इसमें डाल रहे हैं, अपना रात भर का जुगाड़ कर रहे हैं रात भर का जुगाड़ कर रहे हैं। गर्मी इतनी हो रही कि बर्फ़ की जरूरत तो पड़ी जाती है। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। आपको हमारा ब्लॉग पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।